गैस देखो ये क्रेट थी एकदम से उड़ती हुई, ऐसे दो क्रेट थी सीधो यहाँ, अरे यहाँ पे लगती शीशे पे भाई, बच गए भाई। हाँ पीछे वाली गाड़ी ठोक देती अगर हम ब्रेक मारता भी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं पीयूष के बर्थडे सरप्राइज के लिए दिल्ली, जो कि सिर्फ मुझे पता है, इन दोनों को नहीं पता, ना साहिल को, किसी को नहीं पता। मैंने प्लान किया था वो, तो फिलहाल रेडी होते हैं, निकलते हैं। एक्साइटेड? यस बहुत ज्यादा, मैं तो सुबह सुबह रेडी भी हो गया। गैस कर सकता है क्या होगा? गैस कर सकता है? जो भी सरप्राइज है ना वो पीयूष का फेवरेट है, तो पीयूष को मजा आने वाला है, कुनाली को मजा आने वाला है, तो हाँ बच्चों के लिए बेस्ट है वो चीज। तो हाँ चल चलते हैं, फिलहाल नहाता हूँ मैं अभी। तू नहा लिया? हाँ। आज तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, फिर कल जाएंगे हम सरप्राइज के लिए। आज दिल्ली रुकेंगे हम रात को, फिर कल सरप्राइज, फिर परसों भी सरप्राइज, दो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और ये कैसे खेल रहे छोटे बच्चे के साथ में? जाने से पहले तिलक लगवा लेते हैं। माता रानी रक्षा करे, जय माता। आज पांचवा दिन है नवरात्रि का। जय माता रानी, सबको सुखी रखना। मम्मी चलना है दिल्ली, चलना है सरप्राइज के लिए, मम्मी का व्रत है। कुनाली भी रेडी हो गया है, वो कैसे देख रहे देखो। चलो भाई मैं तो रेडी हूँ, बाकी सबका देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हो चुका है अपना, फिलहाल चाय पीते हैं। थोड़ा बहुत काम था मेरा एडिटिंग का, वो कंप्लीट कर लिया मैंने। सबसे लेट मैं उठा हूँ और सबसे जल्दी मैं रेडी हो गया हूँ, अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ देख लो। अब कुनाली और पीयूष फ्री हो गए ना, इनके एग्जाम कम्प्लीट हो गए, तो अब घूम सकते हैं मस्त, ट्रैवल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लो भाई पीयूष भी रेडी। इसमें है मैक्रोली, मैक्रोनी मैक्रोली, इसमें है पराठे, पराठे आलू के पराठे, ठीक है। ये है प्लेट, ठीक है। इसमें है चम्मच। तो गाइस खाने का सामान पैक कर दिया, यही खाएंगे हम। सरदा हम जहाँ जा रहे हैं वो ज्यादा दूर तो नहीं है, दो जगह ज्यादा दूर तो नहीं है? नहीं दूर नहीं है, दूर नहीं है। आपको अजीब सा हो रहा है क्या? उल्टी जैसा हो रहा है, अजीब सा तो नहीं हो रहा ना? बाय बाय। चलो भाई गाड़ी अपनी रेडी है, ये पहले ही बैठ गया आगे, सामान सारा डाल दिया है। बाय ओलू, सरदा जा रहे हैं, दो दो तीन दिन में मिलेंगे, ठीक है। बाय। तो भी गाइस जाने के लिए रेडी है, हम कितने लोग जा रहे हैं? छह लोग हैं। कुनाली, पीयूष, साहिल, चाचा और शंकी। जय माता रानी, जय माता। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया, हम घर से निकले और भाई फ्लैट की चाबी मैं लेके नहीं आया, फ्लैट की चाबी घर ही पड़ी है। भाई हमेशा ऐसे होता है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं हम। तो गाइस घर पहुंच गए, अरे चाबी भूल गए थे यार, देखो ये चाबी अपनी। चलो भाई वापस निकल गए। गाइस अभी जस्ट बचे हम, एकदम से ना दो क्रेट आई एक ट्रक में से निकल के, एकदम से उड़ती हुई एकदम से गाड़ी के ऊपर, वो तो मैंने एकदम से गाड़ी मोड़ी एकदम से, नहीं तो भाई शीशे पे लगती और अंदर आती सीधा हमारे अंदर आती, दो दो क्रेट गाड़ी फिर भी लगी, देखो यहाँ लगी गाड़ी पे, कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ होगा। दो थी। गाइस देखो ये क्रेट थी एकदम से उड़ती हुई, ऐसे दो क्रेट थी सीधा यहाँ, अरे यहाँ पे लगती शीशे पे भाई, बच गए भाई। हाँ पीछे वाली गाड़ी ठोक देती अगर हम ब्रेक मारता भी, पीछे वाला भी ठोकता। और कहीं तो नहीं लगी? अबे इधर भी लगी है, देखो इधर भी लगी है, इधर भी लगी है, गाड़ी में क्यों डालना है? माता रानी के पास बच गया, टूट के अगर अंदर आता है ना, बच गए भाई। गाइस अब कैमरे की फुटेज निकालते हैं, दिखाता हूँ आपको, ये रही निकल गई, ये देखो सामने ट्रक है ना, अब ट्रक में से निकलेगा देखना, ओ निकलेगी देखो, भाई साफ दिख रहे निकलते हुए, ये देखो भाई, ये देखो पीछे भी तो गाड़ी थी हमारे, हमारे पीछे भी तो गाड़ी थी, वो ठुकती हुई ब्रेक लगाते तो भाई बच गए, देखो ना कैसे निकल रहे हैं भाई, और वो भाई उसने रोकी भी नहीं भाई, भग गया वो, ये देखो भाई अच्छे से रखा ही नहीं उसने भाई, वो थोड़ी रुकेगा बहुत, देखना सही डर लग रहा है भाई, इसको देख के डर लग रहा है, देख मूवी की तरह लग रहा है एकदम। गाइस भगवान साथ है हमारे इसलिए हम बच गए, अगर हमारी गाड़ी थोड़ी आगे होती ना ट्रक के बिल्कुल आगे होती तो वो सीधा ना हमारी गाड़ी के ऊपर गिरता, वो पहले उसने नीचे टप्पा खाया फिर हमारी गाड़ी में लगा, हमने देखा कैमरे में ना, और अगर हमारी गाड़ी उसके बिल्कुल पीछे होती तो देखो भगवान साथ में है। मैंने कहा था ना बहुत सारे चमत्कार होते हैं यार हमारे साथ में, मतलब गई जिस टाइम पे हुआ ना उस टाइम तो इतना डर लगा ना एकदम से, जब आए ना वो मैं क्या करूँगा भाई, एकदम से दिख रहे मुझे आते हुए स्लो मोशन में दिख रहे थे मुझे आते हुए, मैं क्या करूँ, मैंने जल्दी से जिस साइड आ रहे थे उस साइड से इस साइड गाड़ी मोड़ी ऐसे, मैंने फाइनली बच गए, और भाई वो उसने रोकी नहीं भाई, भग गया वो, वही तो अगर तेज ब्रेक लगा तो गाड़ी पीछे से ठुकती सीधा, वो मैं ब्रेक भी लगाया मैंने, मगर पीछे गाड़ी भी थी ना हमारे, मैंने हल्के से कट मारा, मैं रोकने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी लेफ्ट में लग गए गाड़ी के हमारे लग गए। चलो कोई नहीं, गाड़ी में बम्पर वम्पर चेंज हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, टेंट पेंट हो जाएगा गाड़ी में, चलो नुकसान हो जाएगा अगर शीशे पे लगता तो वापस जाना पड़ता हमको, पर शीशे फूट जाता फिर कैसे जाते? अरे हाँ फिर वापस जाना पड़ता हमको, अरे वो अंदर आता भाई इतना भारी था वो ट्रे। चलो भाई बच गए, अब कुछ खराब नहीं सोचते, अब चलते हैं सीधा दिल्ली, चलो सरप्राइज के बारे में सोचते हैं, अब सरप्राइज मिल गया भाई, अब ऐसे मत बैठो ऐसे मत बैठो, उधर बैठो, मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी सीधा आगे लगेगा। तो गाइस देखते हैं वो ट्रक हमको दिखता है नहीं दिखता रोड में, वैसे तो भगा के ले गया था वो, देखते हैं कहीं दिखेगा तो,
तो मैं जितने भी ट्रक वाले मुझे देख रहे हैं तो गाइस तैसे मत किया करो, जो भी आपके पास सामान है उसको अच्छे से लेके जाओ, उसको अच्छे से रख के पैक करके ले जाओ ताकि जो रोड में वो सारे सेफ रहे। मेरी गाड़ी नहीं किसी और गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता था, वो किसी के ऊपर भी गिर सकता था। गाइस अब हमको भी सीख मिल गई, अगर हमारे आगे कोई ट्रक चलेगा ना उसमें कुछ भी है भाई, कुछ भी हो तो हम सोचेंगे भाई वो गिर सकता है तो उससे दूर रहेंगे हम, उससे राइट लेफ्ट में ही चलेंगे हम। अगर कुछ भी है उसमें ईंट है या फिर कुछ भी सामान पड़ा है, कोई डब्बे सीमेंट कुछ भी पड़ा है तो भाई हम सोचेंगे भाई गिर सकता है भाई ये, तो रिस्क नहीं लेना, थोड़ा उससे आगे चलो या फिर उससे दूर ही चलो। भाई वो ट्रक वाला तो मिल ही नहीं रहा भाई, वो स्पीड में ले गया बहुत, हम इतनी देर से चल रहे हैं हमको मिल ही नहीं रहा भाई वो। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना, चलो अब चलते हैं आगे, ट्रक वाला तो मिल नहीं रहा गाइस। गाइस अब देखो ये ओवरलोड है, इनमें से भी कपड़े गिर सकते हैं, ये तो कितना ओवरलोड है भाई, पूरा ऊपर तक भरा हुआ कपड़ों से। अगर एक कपड़ा गिर के टायर में फंस गया, जल्दी से इसको ओवरटेक करके आगे चलते हैं भाई। वो भाई आगे गन्ने भी आ रहे हैं, भाई गन्ने तो गिरते हैं, कितने ओवरलोड गन्ना आ रहे हैं, पूरा गन्ने से भरा हुआ है, ये भी गन्ने भी गिर सकते हैं, इवन गिरते भी हैं। तो भाई रोड पे तो हर गाड़ी को देखना पड़ेगा अपने को, अब हर गाड़ी को देख के संभल के चलना पड़ेगा। ये देखो ये ट्रक सही है, पूरा बंधा हुआ है, बंद कर रखा है। गढ़गंगा पहुंच चुके हैं, जय गंगा माता। तो भैया दिन के 2:30 बज गए और लग रही है भूख, खाना तो हम लेके आए हैं तो गाड़ी में ही खाएंगे। बस सब्सक्राइबर हाय हाय, फाइनली गाइस हमको टाइगर दिख चुका है, देखो गाइस मस्त जगह मिल गई, देखो यहाँ पेड़ ही पेड़ है, तो यहीं चलते हैं। चलो भाई खाना लाओ, खाने को दे रे, गिराइयो मत भाई, नीचे मत गिराइयो। चटपटी खुशबू, ओहो चाय जी बोल गया आज तो, आज रिएक्शन दे दिया आज। ये कुनाली का है, पराठे और मैक्रोनी दोनों। तो गाइस खाना फिनिश, अब चलते हैं आगे। चल पीयूष का भी खत्म, मेरा भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ सिर्फ एक घंटा लगेगा, 76 किलोमीटर रह गया बस। वो भाई सामने देखो गाइस, लंबोर्गिनी उरुस, आगे पुलिस की गाड़ी भी चल रही है भाई, कोई वीआईपी आदमी है इसमें। फाइनली गाइस पहुंच गए दिल्ली, अब चलते हैं अपने घर पे। तू ही खोल अपना नया घर, ये सरप्राइज था क्या? नहीं ये सरप्राइज नहीं है, बर्थडे सरप्राइज कुछ और है, एक बार और। हां बस कैसा है किचन? देख किचन बढ़िया हो गया। हम्म, बढ़िया हो गया, अभी साफ सफाई करनी पड़ेगी थोड़ी। इस घर की सबसे बड़ी बात पता क्या है? नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सनलाइट है। अभी देख लाइट नहीं चला रखी कोई भी, कितनी मस्त सनलाइट आ रही है देखो पूरे घर में, इवन किचन में भी, यहाँ भी वहाँ भी, सब जगह कहीं भी लाइट नहीं चला रखी हमने, लाइट सिर्फ रात को चाहिए। मेरा प्लान है गमले लगाने का, तो यहाँ पूरे गमले लगा देंगे, यहाँ पे सोफा लगाएंगे एक आने जाने के लिए, बैठने के लिए मस्त। तो गाइस अब हमारा प्लान है रसोई को साफ करने का, देखो यहाँ पे थोड़ी गंदी सी हो रही है ना ये, तो इसको क्लीन कर देते हैं अच्छे से सब कुछ। अरे झाड़ू ले आया है चाय दी, झाड़ू लगाने लगे। अरे मम्मी व्लॉग देख रही है, मम्मी भाई घर में तो कभी नहीं करता किचन साफ, यहाँ पे तो देख लगा पड़ा है, ये भी और ये भी, मम्मी खुश हो जाएगी। तो गाइस किचन तो क्लीन कर दिया देखो हमने, यहाँ भी जितना हमसे हो सकता था हमने कर दिया। अब फिलहाल खाना ऑर्डर करें, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, चाय पीने का मन करता है तो चाय बनाएंगे। तो गाइस हमारा सारा सामान आ चुका है जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये पानी ऑर्डर किया था, अदरक है, चाय वगैरह बनाएंगे ना, बटर भी मंगाया था, और ये ब्रेड खा लेंगे ना सुबह, और कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी। इसमें क्या क्या है? अच्छा मैगी पी, उसकी फेवरेट, चिप्स वगैरह मंगा लिए रात को खाने के लिए। मैगी कितनी मंगा ली तूने? अबे इतनी मैगी क्यों मंगा रखी है? गई देखो उल्टे काम, कुकर में चाय बना दी इन्होंने। ये कुकर में चाय कौन बनाता है यार? चाय बन गई देख, फट तो नहीं गई कहीं? नहीं नहीं, क्यों फटी हैं? डाड़ू से निकाल, डाड़ू से, पागल तो नहीं है तू? निकाल लेंगे, धो दियो कुकर, धो दियो। अपनी चाय आ चुकी है, और साथ में देख रहे हैं ब्लॉग, आज का ब्लॉग देखा ही था ना, तो ब्लॉग देख रहे हैं, चाय पीते हैं। इसके बाद कहाँ चलना है? मॉल चलना है। चलो मॉल लेके जाएंगे कुनाली को आज, दिल्ली का मॉल पहली बार जाऊंगा, वो पुराने मॉल में घूमता था पहले। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, हम मॉल में जाएंगे, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्या किया ये? आते ही यहाँ पे गिरा दिया इसने, देखना साफ करो इसको, उठाओ। कौन पोछा लगाया इसमें? मैं जी देखो, खुद ही गिराए, खुद ही साफ कर रहे हैं बस ये। मारो ये वाला।